आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पे। तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका था थ्योरी टोटल। उसके न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट आपको हम न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करा रहे थे। तो आगे भी न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले देखो कुछ बातें आपसे करनी है बेटा। देखो पढ़ाई के लिए, पढ़ाई वो चाहे कोई भी वर्क हो, हर एक वर्क के लिए अपने अंदर इंटरेस्ट का होना जरूरी होता है। जब तक आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है तब तक आप मन से वो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो, आपके लिए हर जगह पे मोटिवेशन जरूरी होता है। घर में भी देखो माँ बाप भी मोटिवेट करते रहते हैं, क्लास में हम लोग टीचर्स जो हैं, आपके प्रिंसिपल सर हैं, सभी लोग हर जगह पे आपको मोटिवेट करते रहते हैं ताकि आपका मन भटके ना वहां से, आप हमेशा निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें और जो भी विद्यालय में कार्य करवाया जाता था उस पर आप अग्रसर रहें, स्टेप बाय स्टेप आसानी से अग्रसर रहें। लेकिन हाँ ये है कि हमको कैसे पता चले कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, तो इसके लिए आप कम से कम कुछ नहीं तो एक लाइक कर दीजिए, लाइक करिए चैनल को, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट बचे हैं अपने विद्यालय के हों या मान लो बाहर के भी पढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि सभी जगह पर व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही बच्चों को, तो सब जगह तक आप लोग शेयर कर दीजिए, वो भी अपना स्टडी कर लें और लाइक कर दीजिए और कमेंट भी साथ में करिए ताकि हमको भी अच्छा लगे, हमें भी हमारे अंदर भी इंटरेस्ट आए कि हाँ देखो बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे स्टूडेंट जो है अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। कमेंट जब करोगे तो पता चलेगा आप वो चीज समझ पाए या नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाएंगे तो हम अगली क्लास में आप तक वो चीज पहुंचा देंगे। और जब तक आप कमेंट नहीं कर रहे तब तक हमें नहीं पता चल पा रहा है कि आप लोग पढ़ पा रहे हैं अच्छे से, समझ पा रहे हैं मेरी बातें। केवल नोट्स बना लेने से सब कुछ नहीं होने वाला है, हमको भी पता चलना चाहिए कि आपकी पढ़ाई कैसी हो रही है। तो इसके लिए आप लाइक भी करिए साथ में, अगर कोई अच्छी लग रही तो लाइक करिए, कमेंट भी करिए साथ में, तब हमको पता चलेगा कि हाँ आप लोग कितने लोग हमसे जुड़े हैं। जो लोग जुड़े हैं तो हमको भी पता चले कि हाँ हमारी पढ़ाई उनको समझ में आ रही है, ठीक है। तो आगे से चीजें ध्यान रखिए और कमेंट जरूर करिए साथ ही साथ। तो लास्ट क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल लगवाए सॉल्व करवाए थे, उसी क्रम में आगे फिर शुरू करते हैं। ट्वेंटी में क्या कहा, मेटल की ए और बी दो बॉल हैं, एक ए है दूसरी बी है। ए पर जो चार्ज रखा गया 40 माइक्रो कूलम तो -6, बी पर है माइनस का 10 माइक्रो कूलम तो -6 कूलम। अब कहा क्या है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, तो इसके बीच में कह रहा है कितना फोर्स अप्लाई होगा और कैसा फोर्स अप्लाई होगा। तो फोर्स तो अट्रैक्शन होगा क्योंकि एक प्लस है दूसरा माइनस, अट्रैक्शन आकर्षण बल होगा। वैल्यू कितनी होगी तो एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, क्यू वन क्यू टू और डिस्टेंस 2 मीटर। सॉल्व कर लेंगे अब इसको तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में कहा कि अब अगर दोनों गोलों को आपस में टच करा दिया जाए और टच करा करके 2 मीटर डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो बताइए इसके बीच में फोर्स कितना अप्लाई होगा और कैसा फोर्स अप्लाई होगा। तो ये पहला पार्ट था इसका, तो पहला पार्ट आप सॉल्व कर लेंगे। सेकंड पार्ट में क्या कहा कि दोनों को टच कराइए, तो जैसे ही दोनों को आप टच कराएंगे तो इस पर कितना है 40, इस पर कितना है -10, तो दोनों का चार्ज होगा एड हो जाएगा तो बचा कितना 30। अब इसको अलग अलग करिए तो 15 15 में बट जाएगा, तो पहले पर कितना हो गया तो अब यहां हो गया 15 और सेकेंड पर भी कितना हो गया 15 गुणे 10⁻⁶ कूलम। डिस्टेंस कितनी का, तो डिस्टेंस अभी भी वही है, डिस्टेंस फिर कहा 2 मीटर ही डिस्टेंस है। तो अब फोर्स कितना अप्लाई हुआ, तो अब नया फोर्स अब निकाल लीजिए के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्यू वन क्यू टू ये होंगे, वैल्यू आप निकाल लेंगे यहां से। लेकिन अब फोर्स कैसा होगा, तो अब रिपल्सन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों की जात एक ही हो गई, दोनों प्लस के हो गए, तो दोनों प्लस के हो गए तो फोर्स जो होगा कैसा हो जाएगा, रिपल्सन फोर्स हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में क्या कहा, सेकंड था, थर्ड में कहा कि अगर इनको हम अर्थ से कनेक्ट कर दें, अगर जो मेटेलिक स्फीयर दिए गए थे, स्मॉल स्फीयर थे, इनको अगर हम अर्थ से कनेक्ट कर दें तो फोर्स कितना होगा। तो अर्थ से जैसे ही कनेक्ट करोगे तो चार्ज जो है अर्थ में प्रवाह चार्ज का हो जाएगा, आवेश पृथ्वी में प्रवाहित हो जाएगा, तो आवेश ही खत्म, तो फोर्स कितना हो गया 0। तो पृथ्वी से कनेक्ट कराने पर फोर्स कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन हो गया 21। देखिए 21 नंबर में एक डायग्राम गिवन है आपको,
ये पॉइंट ए है, बी है और ये पॉइंट सी है। यहां पर क्यू चार्ज, यहां पर भी क्यू चार्ज और यहां पर भी क्यू चार्ज। ये डिस्टेंस है 2/√3 और ये डिस्टेंस है 1 मीटर। क्वेश्चन ने क्या कहा, अगर बी गोलक सी बी पर 4×10⁻⁶ न्यूटन का बल लगाता है, मतलब सी जो है बी पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो ऐसे अपोजिट में लगाएगा, कितना लगा रहा है, तो फोर्स की वैल्यू गिवन है 4×10⁻⁶ न्यूटन। कितना फोर्स सी जो है बी पर कितना फोर्स लगा, तो दोनों प्लस प्लस या रिपल्सन हो गया, बाहर लगा दिया। लेकिन एक बात और यह भी है कि बी भी जो है वो सी पर इतना ही फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। अब क्या कहा इसने, तो गोला ए बी पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, तो ए जो है बी पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा। तो सबसे पहला काम यह है कि हम यहां से Q1 Q2 की मतलब क्यू की वैल्यू फाइंड कर लें। क्यों, क्योंकि हमको यह पता है कि अगर सी बी पर इतना फोर्स अप्लाई करेगा तो एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 / R² एफ की वैल्यू 4×10⁻⁶ के की वैल्यू 9×10⁻⁹ या ऐसा करिए इसको ऐसे छोड़िए के Q1 Q2 तो Q और Q की मल्टीप्लाई हो गई Q² डिस्टेंस है 1 मीटर तो 1 का स्क्वायर 1 उधर ट्रांसफर किया तो KQ² इज इक्वल टू आ गया 4×10⁻⁶। ये वैल्यू मैंने निकाल ली। अब कहा था ए बी पर कितना, तो ए बी पर ऐसे फोर्स लगाएगा कितना होगा, तो फार्मूला यही होगा। तो फोर्स कितना बना, तो के Q1 Q2 की मल्टीप्लाई Q² डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बना 4, √3 का स्क्वायर हो गया 3 और KQ² इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन कितनी है, तो क्या बना 3/4×4×10⁻⁶4 कैंसिल तो 3×10⁻⁶ न्यूटन। ये आंसर हो गया आपका। तो ए जो है बी पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, तो ए बी पर 3×10⁻⁶ न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा। ये सेकंड हो गया, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन हुआ। फिर कहा है कि सेकंड में क्या कहा कि बी पर नेट फोर्स कितना हुआ, तो बी पर अगर नेट फोर्स हमको निकालना है तो क्या करेंगे, ये ए ने बी पर फोर्स लगाया 3×10⁻⁶ न्यूटन, अब बी पर नेट कितना बना, तो नेट देखो नेट जो भी होगा वो इसके बीच में बनेगा, एंगल बीच का कितना है 90, अब एक को मानो पी दूसरे को मानो क्यू, रिजल्टेंट कितना बना, तो R² = P² Q² 2PQ cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 इसलिए खत्म क्योंकि एंगल बीच का 90, इसका स्क्वायर प्लस इसका ऐसे डायरेक्ट समझे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16×9 = 25, 25×5 तो 5×10⁻⁶ न्यूटन। ये आंसर तो सेकंड आंसर ये हो गया, फर्स्ट आंसर ये। नेक्स्ट में क्या कहा, तो कूलंबिक फोर्स जो था वैद्युत बल जो था उस पर बेस्ट सारे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट के लिए एक सोने का नाभिक है, तो न्यूक्लियाई जो है वो किसका है, गोल्ड का, तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर गिवन है इतना। फिर कहा इसे रेडियस गिवन है, रेडियस कितनी होगी 6×6×10⁻¹⁵ फिर कहा कि धनावेश अगर समान रूप से इस पर बटा हो तो बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिली, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी KQ/R² के की वैल्यू 9×10⁻⁹ क्यू, तो क्यू इक्वल टू एनी, यहां पर एनी करिए अपॉन डिस्टेंस कितनी 6×6×10⁻¹⁵ × 6.6×10⁻¹⁵ और एन की वैल्यू एन ये हो गया, तो एन की वैल्यू ये हो गई, स्मॉल ई की वैल्यू 1.6×10⁻¹⁹ इसको आप रखिए आंसर हो जाएगा यूनिट न्यूटन पर कूलम। ठीक, तो यहां से सॉल्व कर लेना इसको, फॉर्मूला ले था। नेक्स्ट 23 छोड़ रहे हैं, डिजिट लिख देंगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। 23 में क्या कहा, एक हीलियम बम नाम न्यूक्लियाई है 2H4, तो n=2 हो गए। अब क्या कहा, न्यूक्लिया की जो रेडियस कितनी है 1×10⁻⁹ मीटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा KQ/R², क्यों की जगह पर यह नहीं कर दीजिए, एन हो गया 2, ई की वैल्यू अपने आप रखिए, रेडियस हो गई फाइंड कर लीजिए, यह भी हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए 24,
24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या कहा, दो पॉइंट चार्ज है, 5 × 10⁻¹⁹ कूलम, और नेक्स्ट जो गिवन है वो कितना है, 20 × 10⁻¹⁹ कूलम। डिस्टेंस इनके बीच की कितनी गिवन है, तो 2 मीटर डिस्टेंस है, कितनी है 2 मीटर हो गई। अब कहा इसने इनको मिलाने वाली रेखा जो है, लाइन ज्वाइनिंग जो हो रही है, मतलब मिलाने वाली रेखा के कहां पर विद्युत क्षेत्र का मान जीरो होगा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। तो देखिए वही प्रॉपर्टी, फिर अगर दोनों प्लस प्लस के हैं तो तीसरा बेस कहां रखते थे, बीच में, तो वैसे यहां पर भी अगर दोनों प्लस प्लस के हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप निकालेंगे, जीरो जो फाइंड करेंगे, वो हमेशा बीच में ही चेक करेंगे। तो कहां पर, मान लो इधर से मान लिया कितनी डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस, यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी, तो इधर बची कितनी, तो 2 − x। अब देखिए इसकी वजह से अगर हम E2 मान ले और इसकी वजह से E1 मान ले, तो इस वाले पॉइंट पर प्लस Q के कारण किसी भी पॉइंट पर तीव्रता अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस की वजह से इंटेंसिटी उसी की दिशा में लेना होता है, तो ये वाला आवेश प्लस का है, तो इसकी वजह से इस वाले पॉइंट पर जो इंटेंसिटी बनी E1 ऐसे अपोजिट बनी, प्लस का है ना, ये भी प्लस का है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर इंटेंसिटी किधर हुई, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो गई E2। अब अगर दोनों, अगर नेट जीरो है, नेट जीरो का मतलब E1 इज इक्वल टू E2, दोनों बराबर, तो E1 की वैल्यू कितनी बनी, E2 चाहो लिख लो, K Q बटा डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 2 − x का होल स्क्वायर, वही K Q बाई R स्क्वायर लगा रहे फार्मूला। E1 कितना, तो K Q हो गया 5 × 10⁻¹⁹, डिस्टेंस कितनी x स्क्वायर, K कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 5 हटाइए, 4 बार पढ़ा, इसको लगाइए, तो 4x² इज इक्वल टू 2 − x का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाए तो 2x इज इक्वल टू 2 − x, मतलब 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/3। तो 5 × 10⁻¹⁹ कूलाम वाले आवेश से 2/3 मीटर की दूरी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा जीरो होगी इस क्वेश्चन के लिए, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट में क्या कहा, सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, स्क्वायर है, इसकी जो साइड है वो कितनी है, ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, मतलब −2 मीटर, इसको अलग लिख लेते हैं। फिर क्या कहा, इसके जो कोने, हर कोने पर चार्ज कितना कितना गिवन है, यहां पर 15 μC, यहां −15 μC, अगले पर 20 माइनस प्लस का +20 μC, और अगले पर कितना गिवन है, −50 μC, ये इतना चार्ज गिवन है। फिर कहा इसके जो डायगोनल है, ये विकर्ण मिलाने वाले विकर्ण जो है उनके मध्य बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो इसको देखो ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पॉइंट काम ये है कि इन सभी चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लो। अगर ये ए, तो ये भी कितना ए, अलग समझिए, अगर ये ए तो ये अंडर रूट 2a, इसका आधा कितना बना, तो √2a/2, और 2 को हम 2 टाइम्स अगर लिख लें तो बचा कितना, a/√2, और a की वैल्यू हमको गिवन है कितनी है, 20, यहां रख लीजिए, तो 20√2 × 10⁻², √2 से मल्टीप्लाई साथ में कर लीजिए इसके साथ में, या ऐसे छोड़ दीजिए, तो डिस्टेंस जो निकल के आ गई वो कितनी बनी, 20√2 × 10⁻², ये डिस्टेंस हो गई, मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये सभी सब कितनी कितनी आ गई, 20√2 × 10⁻²। अब इसको अलग लिख लेते हैं, 20√2 × 10⁻², ये डिस्टेंस हो गई आर। अब देखिए अलग इसका डायग्राम फिर से बनाते हैं, क्योंकि यहां से सॉल्व होने वाला नहीं, डायग्राम बेकार हो जाएगा, ऐसा समझो, ये माइनस का 15 μC इस वाले पॉइंट पर इंटेंसिटी, तो माइनस की वजह से इंटेंसिटी उसी दिशा में, तो यहां पर जो भी इंटेंसिटी बनी इसकी वो किधर होगी, इसी की ओर, तो ऐसे कितनी बनी, तो के क्यू की वैल्यू 15 × 10⁻⁶ μ है, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, तो 2 का 4 = 0 × 10⁻²,
और दो का स्क्वायर लिया ऊपर, तो इतना बन गया, मतलब ये जीरो कटा सकते हैं। ठीक, तो इतना गया 15 दूनी 30, 30 बटा 4 गुणे 10 की पावर माइनस 6, ये इंटेंसिटी बनी है। ये वाला माइनस 50 क्या करेगा, इसको अपनी वाला कर सकती है ऐसे, तो ऊपर कितना बना, तो के Q1 हो गया 50 गुणे 10 की पावर माइनस 6, डिस्टेंस कितनी, तो इसका स्क्वायर, तो 400 गुणे 10 की पावर माइनस 400, ये गड़बड़ हुआ, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 बन जाएगा पावर में, तो नीचे से माइनस 2 जीरो कटाएंगे तो प्लस 2 पावर बढ़ी है, वैसे समझिए इसका स्क्वायर भी, तो 400 बटा 2 गुणे 10 की पावर माइनस 4, 2 जीरो कटाया प्लस 2 बढ़ाया, ये 2 गुणे में गया या 2 से 4 काट दीजिए, तो कितना बचा, के 15 गुणे 10 की पावर, ये माइनस 2 ऊपर गए प्लस, तो बचे कितने माइनस 4, ये माइनस 2 यहाँ ऊपर गए प्लस बन गए तो माइनस 4 बचे, बटे में कितना बचा 2, क्योंकि इस 2 ने 4 को हटाया, इतना आया। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पर पावर बनी माइनस 4 बटा 2 का स्क्वायर 2, 2 जीरो काट के प्लस 2 लगाइए और 2 से इसको काटिए, तो ये बचा जाके के 50 गुणे 10 की पावर माइनस 2 ऊपर भी गए तो कितने बचे 4 बटा 2, ये ऊपर इंटेंसिटी उसकी वाली। ये वाला 20 वाला क्या करेगा, प्लस का है तो दूर भगाएगा, तो दूर इंटेंसिटी इसकी वजह से ऐसे कितनी बनी, तो के क्यू बना 20 गुणे 10 की पावर माइनस 6 बटा 20 का स्क्वायर 400 बटा 2 गुणे 10 की पावर माइनस 4, अगर इसको सॉल्व करोगे तो के 20 गुणे 10 की पावर माइनस 4 बटा 2, इस 2 से 4 कैंसिल, 2 पावर गई ऊपर ट्रांसफर कर दिया, और ये 15 वाला की वजह से यहाँ इंटेंसिटी अपोजिट में बन गई, तो कितनी बनी के 15 गुणे 10 की पावर माइनस 6 बटा 400 बटा 2 गुणे 10 की पावर माइनस 4, इसको अगर हल किया तो बचा कितना, ऊपर बना के 15 गुणे 10 की पावर माइनस 6 माइनस 4, ये पावर ऊपर जाएगी 4 बचेंगे, बटे में कितना बना 2, ये सबकी वजह से मैंने इंटेंसिटी लिख ली यहाँ पर। अब अगर ध्यान देखो यहाँ पर, तो इधर इंटेंसिटी कितनी है 50, इतना इधर कितनी है 15, जो तीव्रता हो कैसी राशि है सदिश राशि, और सदिश राशि है तो फिर वेक्टर सही तरीके से जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों अपोजिट है तो आपको ज्यादा से कम को घटाना पड़ा, तो यहाँ 50 में से, अब बाकी सब बराबर है, ये समझ लो 50 में से 15 हटाओ 35 बचा, तो जो भी 35 करके बनेगा वो किधर बना, इस डायरेक्शन में, मतलब के 35 गुणे 10 की पावर माइनस 4 बाई 2, मतलब इसका और इसका नेट हो गया और इसी डायरेक्शन ज्यादा वाली तरफ, ये बचा, सही समझना इसको। अब इस ये दो बचे, इनको चेक करो, इधर कितना है 20, इधर कितना 15, ज्यादा कौन है 20 वाला, तो जो भी नेट होगा 20 की तरफ होगा, कितना होगा, तो के 20 में से 15 गया तो बचा कितना 5 गुणे 10 की पावर माइनस 4 बाई 2, इतना क्लियर। अब सब देखिए हटा रहे हैं पूरा, अब जो अपना क्वेश्चन बचाओ केवल इतना बचा, अब अगर स्क्वायर में देखिए तो स्क्वायर में जो डायगोनल होते हैं वो एंगल यहां कितना बनाते हैं, तो यहां पर जो एंगल बनता है वो 90 बनता है, तो इनकी जो नेट इंटेंसिटी होगी वो हमेशा इसके बीच में आएगी, कितनी बनेगी, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू कितने का स्क्वायर, मतलब के बाई 2 10 टू द पावर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस के 35 बाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 का स्क्वायर। अब आगे बेटा इसको सॉल्व कर लेना, के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 रख लेना, स्क्वायर हटा के रूट लगा लेना, या चाहो भी हटा दे रहे, ये रूट लग गया पूरे पर, आंसर हो गया। बाकी आगे जो होगा 2 e1 e2 cos 90 हो जाएगा, क्योंकि एंगल बीच का 90, इसलिए पूरा टर्म गायब हो जाएगा, तो आंसर आपका यहां से आ जाएगा, के की वैल्यू रख लेना, इसको सॉल्व कर लेना आगे। ऐसे क्वेश्चन पिछले क्लास में हो भी चुके हैं, फोर्स पे थे, तो फोर्स में क्यों हमने बताया था, क्यों हटा दीजिए, बाकी सभी वही क्वेश्चन होते चले जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको कर चुके हैं, 26। इसमें क्या कहा, अनंत से एक्स अक्ष पर, मतलब एक्स अक्ष हो गया जहां अनंत से, एक्स बराबर 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर पर q
क्यों क्यों चार्ज रखे गए और x बराबर जीरो मूल बिंदु पर, यहाँ पर कहा जाता है इंटेंसिटी कितनी, मतलब कितने पर, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर एंड सो ऑन। कितना चार्ज गिवन है, क्यू, ये क्यू चार्ज ऐसे गिवन है। अब क्या बताइए कि यहां पर नेट इंटेंसिटी कितनी पड़ी, तो देखिए प्लस है ना, तो इसकी वजह से इंटेंसिटी ऐसे, इस क्यू की वजह से यहां पर ऐसे, इसकी वजह से भी उधर, इसकी वजह से, मतलब सबकी सब तीव्रताएं जो होंगी वो जुड़ती चली जाएंगी इधर। तो नेट हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या, ई इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही फार्मूला। तो ई नेट इज इक्वल टू के क्यू, डिस्टेंस का स्क्वायर वही रहेगा, यहां पर के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, के क्यू बटा 4 का स्क्वायर 16 हो गया, अगला के क्यू बाई 8 का स्क्वायर 64 हो गया, कहां तक गया, इनफाइनाइट पर। कॉमन कितना हो गया, के क्यू, तो 1 + 1/4 + 1/16 + 1/64 एंड कहां तक, सो ऑन। अब ये सीरीज देख लीजिए क्या बनी, तो अगर दूसरे पद से देखो, अगर एपी है समांतर श्रेणी, तो पदों का अंतर बराबर आना चाहिए हमेशा, समांतर, समांतर श्रेणी का मतलब समान अंतर पर पद होंगे तो समांतर श्रेणी, तो उसके योग का फार्मूला अलग होता है, Sn बराबर n बाई 2 2a n - 1 × d, ये फार्मूला लगाते हैं, n जहां तक पद होंगे, a पहला पद होता है और d पदों का अंतर होता है, और n जहां तक श्रेणी जाती है वो पद रखते हैं। लेकिन यहां पर तो समांतर तो है नहीं, घटाओ के बराबर आएंगे, तो यहां पर देखो अनुपात लेके देख लेते हैं, दूसरे को पहले से भाग करो, मतलब 1/4 / 1, अगर तीसरे को दूसरे से भाग करें तो क्या अनुपात बराबर आ रहा है, तो यहां पर कितना बना 1/4 और यहां पर भी कितना बना 1/4, मतलब अगर अनुपात बराबर आता है तो श्रेणी होते गुणोत्तर, और गुणोत्तर श्रेणी के योग का फार्मूला 2 होते हैं। अब यहां पर श्रेणी जा रही अनंत है, तो अनंत पदों का योगफल का फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है अनंत पदों का योगफल, इसका फार्मूला होता है यस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए बाई 1 - r। ए क्या है, पहला पद, तो 1 हो गया, आर क्या होता है, सर्वानुपात होता है, मतलब दूसरे पद को पहले से भाग कर लो, तो R की वैल्यू क्या बनी, 1/4/1, मतलब 1/4, अगर ये वैल्यू इसमें फाइंड कर दोगे तो आंसर आया 1, A की जगह 1 हो गया, R की जगह पर 1/4 हो गया, अगर इसको सॉल्व किया तो 4/3 कितना आ गया, मतलब आंसर मेरा क्या निकल गया, K की वैल्यू आप अपने आप रख लेना, Q इंटू इतने का सोल्यूशन जो बना वो 4/3 बना, तब वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो श्रेणी कौन सी बनी थी, गुणोत्तर श्रेणी बनी यहाँ पर जीपी। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आपको पिछले क्लास में, जो पहले क्लास पढ़ा चुके उसमें करा चुके थे, एपी का था, जीपी का भी था, विविध श्रेणी का भी था, और एक था एलएन मतलब लॉग वाली सीरीज का भी था। नेक्स्ट देखिए, एक अल्फा पार्टिकल है, मतलब 2he4, अब इसमें कह रहा है कि इंटेंसिटी गिवन है, इसकी 15 × 10^4 न्यूटन पर कूलम, फिर कह रहा है इस पर बताइए फोर्स कितना अप्लाई होगा, तो फोर्स F इज इक्वल टू ई क्यू, तो E की वैल्यू, अच्छा Q इज इक्वल टू एन ई कर लीजिए, तो E की वैल्यू आपको गिवन है, N कितने हो गए, तो N इज इक्वल टू 2 हो गए, स्मॉल E की वैल्यू 1.6 × 10^-19.2, देखिए आंसर हो जाएगा, ये बेकार का फालतू का सवाल था। नेक्स्ट देखिए, 28, इसमें क्या कहा, 1000 ± मतलब एक तरफ -1000 µC और दूसरी साइड में +1000 µC चार्ज रखे हैं। अब इसमें कह रहा है कि आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की डिस्टेंस पर है, हम कह लीजिए जो डिस्टेंस है कितनी है, 2 मीटर। फिर क्या कहा, पहली कंडीशन, इसको ए नाम दिया गया और इसको बी नाम दिया गया है, तो लाइन ए बी बनी इसके मध्य बिंदु पर और प्रत्येक से आवेश से 4 मीटर के समान दूरी पर इंटेंसिटी बताइए कितनी होगी, तो इसके मिडिल पॉइंट पर जो भी इंटेंसिटी बनी वो कितनी बनेगी, देखिए तो मिडिल पॉइंट पर ये वाल, मिडिल का मतलब ये भी 1 मीटर और ये भी कितनी लेना है आपको, 1 मीटर ही लेना है, दोनों मतलब डिस्टेंस बराबर, चार्ज बराबर, तो इंटेंसिटी बराबर। भाई ई जो होता है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर, अब देखो यहां क्यू बराबर है, ये डाइपोल बन गया बेटा, तो
क्यू बराबर और आर भी दोनों के बराबर, तो जो भी तीव्रताएं बनेगी फिर दोनों पर डिपेंड करेगी, तो तीव्रता भी बराबर मतलब ई1 बराबर ई2 होगा। अब करना क्या है, हमको ये पता चल गया कि ई1 इज इक्वल टू ई2, ये दोनों बराबर होंगे, बराबर हम मान लेते हैं कितना हो गया ई के बराबर हो गया। बट हाँ अंतर ये बना कि माइनस की वजह से, मगर अगर मान लो कि इसकी वजह से ई1 और इसकी वजह से अगर ई2 मान ले तो जो भी ई1 होगा इस पॉइंट पर माइनस की वजह से इसी दिशा में इससे ई1 बना, और जो ई2 होगा ई2 की डायरेक्शन हमेशा ये प्लस है तो प्लस से अपोजिट में लेते हैं तो ई2 ऐसे हो जाएगा, तो जो ई नेट बना वो ई1 प्लस ई2 बना, एक ही तरफ जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों डायरेक्शन एक ही हो जाएंगे। और ई1 बराबर ई2, तो अगर दोनों बराबर तो क्या लिख सकते हैं 2e, और e की वैल्यू kq बाई आर स्क्वायर, 2 k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, q की वैल्यू 1000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, डिस्टेंस बनी 1 मीटर 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर हो गया। तो इस तरीके से फिर क्या कहा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन होगी इधर माइनस वाले चार्ज की तरफ। नेक्स्ट में टोटल क्वेश्चन यही है, माइनस 1000 माइक्रो कूलम और प्लस का 1000 माइक्रो कूलम, डिस्टेंस 2 मीटर। अब इसमें कहा कि दोनों से चेक कर लेते हैं, प्रत्येक चार्ज से 4 मीटर की समान दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितनी बनेगी। तो दोनों से 4 मीटर दूरी मतलब इक्वेटोरियल पर, यहां पर यहां पॉइंट रख लेते हैं, तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी हो गई 4 मीटर, यहां से ये डिस्टेंस कितनी हो गई 4 मीटर, ये भी हो गई 4 मीटर। अब यहां पर बताना इंटेंसिटी कितनी बनी, तो अगर यहां इंटेंसिटी आप निकाल रहे हो तो इसका डायरेक्ट भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं जो हमने इक्वेटोरियल वाला कराया था, तो उसमें करना क्या होगा आपको, आपको ये निकाल लेना होगा क्योंकि निरक्षीय कंडीशन में इंटेंसिटी होती है E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही मतलब के P बाई आर क्यू, इसको हम के लिख ले रहे हैं, P की जगह पर Q इंटू 2L अपॉन आर क्यू, ये बना K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q कोई भी रख लीजिए यहां से, और 2L जो होता है चार्ज के बीच की दूरी कितनी 2 मीटर टोटल हो गई। आर क्या होगा, तो आर ये होती मानी थी उसमें, तो ये बनी 1 मीटर और ये है 4 मीटर, तो ये कितना बना, तो 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, लेस करोगे 15, 15 का रूट कितना आया, तो 15 का रूट 16 का होता है, मतलब 16 का होता है लगभग 4, 16 का 4 बना तो 15 का हो जाएगा 3.8 के आसपास, तो आर जो भी बना हो कितना बना 3.8 मीटर के आसपास होगा, यहाँ पे रख लीजिए आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए इसको। नेक्स्ट में क्या टाइम पास है, क्या एक इलेक्ट्रॉन निर्वात वैक्यूम में 1 मीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब Q इज इक्वल टू -1.6 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज हो गया। फिर कहा कितने डिस्टेंस पर 1 मीटर, तो R इज इक्वल टू 1 मीटर। फिर क्या कहा बताइए इंटेंसिटी कितनी, तो E इज इक्वल टू KQ / R स्क्वायर, ये सॉल्व हो जाएगा, आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हाँ बेटा वही चीज हमने बताया कि हमको भी एहसास कराइए कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, लाइक करिए और जितना हो सके उतना शेयर कर दिए सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हम जो क्लास आपको दे रहे हैं कोई पैसा नहीं इसका पड़ेगा बेटा, फ्री आपको दे रहे हैं, क्या आपके नुकसान ना होने पाए, लॉकडाउन चल रहा है पूरा विश्व संकट में रहा अभी भी है, तो इस दौरान आपका कोई किसी प्रकार से पढ़ाई में लॉस ना हो, इसीलिए आप तक हम क्लास पहुंचा रहे हैं। हम भी अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी मेहनत करिए अच्छे से, क्योंकि आपके भविष्य के लिए हम भी सोच रहे हैं बेटा, ठीक, तो लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए अगर समझ में ना, क्योंकि हमको पता चले कि आपको चीज समझ में नहीं आएगी, अब समझ में नहीं आएगी तो उसको हम दोबारा फिर अगली क्लास में जरूर ऐड कर देंगे, ठीक है।